क्वेश्चन है सर, आई हैव स्टडीड इलेक्टिव इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी 3 ईयर, वेरी गुड। इसके बेस पर आप एलिजिबिलिटी इन इनको चूज करना है, आपने ग्रेजुएशन, सो आई शुड टेक टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश और सोशल स्टडी, प्रेफर TGT, नॉट डन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है ये है, इलेक्टिव इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, BEd में क्या चूज करें। इन्होंने ये पूछा है कि मैं क्या चूज करूँ, इंग्लिश और सोशल स्टडी। आपके लिए बेस्ट है कि आपने खुद ही वैसे उसका हल दे दिया है, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, दो साइंसेस चाहिए आपको, और सोशल साइंस के लिए दो साइंसेस चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बन रहे हो सोशल साइंस के लिए, सोशल स्टडीज के लिए। उसमें बेस्ट आपका क्या है कि आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। ज्योग्राफी अगर आप केंद्रीय विद्यालय या सेंटर की कोई भी पोस्ट निकलती है उसमें ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, अगर आपने सोशल साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास। और खुशी की बात है कि पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी दोनों स्कूल सब्जेक्ट हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल सभी में आप एलिजिबल हो। आपके मार्क्स डिफरेंट है, वो कंडीशन डिफरेंट होगी, तो आप SST 100% लीजिए, आप एलिजिबल हो। और इलेक्टिव इंग्लिश आपने पढ़ी हुई है तो दूसरा SST के साथ आप इंग्लिश ही लीजिए, क्योंकि BEd करने के बाद आपको कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा। ये 3 साल पढ़ी है, पंजाब गवर्नमेंट भी यही मांगती है और स्टेट सेंटर दोनों यही मांगते हैं, 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। दैट इज वाई बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर TGT इज योर SST एंड इंग्लिश। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअल।